रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहे काफी बच्चे कई दिनों से पूछ रहे हैं कि ये कलर विजन टेस्ट सर क्या होता है और कलर विजन टेस्ट रेलवे में क्यों लिया जाता है। तो कलर विजन टेस्ट रेलवे में इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप लोको पायलट बनते हैं तो ट्रेन चलाते हैं, और ट्रेन चलाते हैं तो रास्ते में आपके रेड, ग्रीन, येलो या डबल येलो सिग्नल आते हैं, और उसी से आप तय करते हैं कि गाड़ी की स्पीड की क्या करनी है, गाड़ी को रोकना है या गाड़ी को पास करनी है, स्पीड को धीमा करना है। इसके लिए आपका कलर विजन टेस्ट लिया जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो रंगों के बीच के अंतर की समता को बताता है, यानी कि यहां पर डॉटेड में आपके पास एक फ्रेम दिया जाएगा और डॉट 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 करके अलग से अलग कलर में लिखा जाएगा, उसके अंदर अक्षर और अंक लिखे जाते हैं, जैसे 17, 12, 3, 6 ऐसे लिख दिए गए हैं। यदि आप उन्हें ठीक से पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपको कलर की अच्छी पहचान है और कलर की समता को माप सकते हैं। यह होता है कलर विजन टेस्ट। और इसी प्रकार के आपको और महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो यहां पर अवेलेबल होते रहेंगे, और इसके लिए आप कोटिली क्लासेस का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।